नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और निधि की रसोई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फलाहारी टिकिया। इसको हमने सिंघाड़े के आटे और शकरकंद से मिलाकर बनाया है। इसको आप व्रत में खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसको मूंगफली की चटनी और दही के साथ खाइए और बहुत ही अच्छी लगेगी, आपको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप सिंघाड़े का आटा, 1/2 कप भुनी हुई मूंगफली, 1 कप उबली घिसी हुई शकरकंद, हरी मिर्चें, हरी धनिया, 2 बड़े चम्मच तिल, 1 कप खीरा किसा हुआ और 1/2 चम्मच अदरक किसा हुआ यूज़ किया है हमने। इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला लीजिए। आटे में शकरकंद मिलाइए, हरी धनिया, हरी मिर्चें आप अवॉइड कर सकती हैं, अगर बच्चों को देना है तो उसकी जगह काली मिर्च भी मिला सकती हैं। ये रोस्टेड तिल हमने 2 टेबल स्पून ली हुई है, एक किसा हुआ खीरा है, मूंगफली भुनी और कुटी हुई, अदरक भी मिला लीजिए। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें दही मिलाएंगे, ये हमने 1/4 कप मिलाया है। इसको बाइंडिंग देने के लिए दही मिक्स कर रहे हैं। डो बनाने के लिए आपको जितनी दही की ज़रूरत हो तो उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें नमक मिलाएंगे, यहाँ पे फलाहार बना रहे हैं इसलिए हम सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं, आप अपने स्वाद अनुसार मिला लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसका एक डो बना लीजिए। देखिए डो तैयार है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। इसकी आप टिकिया बना लीजिए और तवा गर्म करके उसमें 1 चम्मच घी डालिए और उसमें अपनी टिकिया सेक लीजिए। ये हमने डाल दिया इसमें और जब ये एक तरफ अच्छे से सिक जाएगी तब हम इसको पलट कर दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन फलाहार में हम डीप फ्राइड चीज़ें अवॉइड करते हैं, इसलिए हमने शैलो फ्राई किया है। तो बहुत अच्छी कुरकुरी बनती है और टेस्टी भी बहुत होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए।